अपने स्वास्थ्य के लिए तो कई लोग रनिंग करते हैं, लेकिन जो अपने स्वास्थ्य के साथ दूसरों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए रनिंग करे, ऐसे कम ही लोग होते हैं। प्रवीण सकपाल और नित्या सिंह ऐसे ही नाम है जो हर बार किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही रनिंग करते हैं। इस बार अंगदान के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से दोनों इंदौर से भोपाल तक की दौड़ लगा रहे हैं। मंगलवार सुबह नेहरू स्टेडियम से यह दौड़ प्रारंभ हुई, जो 30 नवंबर को भोपाल में समाप्त होगी। स्वास्थ्य के लिए रनिंग एक बेहतर विकल्प है। यह रनिंग अब लोगों को जागरूक करने का भी माध्यम बन रही है। अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मंगलवार को सुबह इंदौर से भोपाल के बीच 180 किलोमीटर लंबी दूरी की दौड़ का आयोजन हुआ। आयरन मैन के नाम से मशहूर प्रवीण सकपाल और नित्या सिंह अंगदान के प्रति जागरूक करने के पवित्र उद्देश्य के साथ यह दौड़ लगा रहे हैं। मंगलवार को नेहरू स्टेडियम से दौड़ प्रारंभ होने के पहले इंदौर में अंगदान करने वालों के परिजनों का सम्मान किया गया। एडीएम बीबीएस तोमर ने परिजनों को सम्मानित किया। सम्मान समारोह के बाद एडीएम ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ प्रारंभ की। दोनों धावकों के साथ इंदौर के धावकों ने भी पलासिया तक इनके साथ दौड़ लगाई। इंदौर से प्रारंभ हुई 180 किलोमीटर लंबी यह दौड़ 30 नवंबर को भोपाल में समाप्त होगी। इस दौड़ के माध्यम से भोपाल में होने वाली मैराथन को भी प्रमोट किया जाएगा। इंदौर से भोपाल के बीच दौड़ अंगदान के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य प्रवीण सकपाल और नित्या सिंह लगा रहे दौड़ 3 दिनों में पहुंचेंगे भोपाल।